कपरिया जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दल के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित किया। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों का कहना है कि पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा शाहपुर खुटहन खास चरगावा ब्लॉक में अनुसूचित जाति का एक तबका सैकड़ों की तादाद में है, जिनका उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अनुसूचित जाति की लिस्ट में नाम गलत कपरिया जाति के जगह ककिया अंकित किया गया है। इस कारण इन लोगों का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान दल के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा, रामचंद्र राज बहादुर गौतम सहित राष्ट्रीय जनता दल के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा ने कहा, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो। अंतर्गत ग्राम सभा शाहपुर कुटान के अंतर्गत कपरिया समाज के सैकड़ों लोग निवास करते हैं, जिनके पुरखा पुरनिया लकड़ी का कंघी बना करके कारोबार करते थे, जिसके नाते जिला प्रशासन के द्वारा भेजे गए अधिकारी जो मौके पर गए थे वो कपरिया के जगह ककहिया लिख दिए हैं, जिससे इनको अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जिससे इनके बच्चों को सरकारी शिक्षा और सरकार की जो भी सुविधा मिल रही है उससे वंचित रह जा रहे हैं। तो हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे करके यह चाहते हैं कि इनको कपरिया समाज का अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट जारी किया जाए, ताकि इनके बच्चों को शिक्षा, रोजगार और तमाम सरकारी सुविधाओं को मिल सके।